दोस्तों आज पंजाब का जड़ा यूथ हैगा उदा सब तो बड़ा एक सपना होंदा हैगा फॉरेन जाके पढ़न दा सपना। जी हाँ, ये सपना जब साकार हो जाता हैगा कितनी एक्साइटमेंट होंदी है, कितनी खुशी होंदी हैगी। ते मान लो कि ये कि जड़ा बंदा हैगा जिन्हें अप्लाई किया होंदा हैगा स्टडी वीजे वास्ते, अगर उदा ये सपना साकार हो जाता हैगा ते उदा जड़ा कन्विक्शन है उदी जड़ी खुशी है इत्थे पहुंच जाती हैगी। तो अज असी एक ऐसे जी शख्सियत दे नाल तुहानू मिलवा रहे हैं जिन्होंने ऑस्टिन ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के राही अपना वीज़ा अप्लाई किया सीगा और उस वीज़े की अज तुहाडे नाल एक स्टोरी मैं शेयर करन वाला हैगा। तो साडे नाल मैं इनवाइट करांगा सुरेंद्र सिंह जी नूं। तो सुरेंद्र जी तुहाडा स्वागत हैगा साडे इस अज कार्यक्रम दे विच प्रोग्राम च। तो मैं तुहाडे राही पंजाब दे यूथ नूं एक स्नेहा एक मैसेज देना चाहता हैगा कि किस तरीके नाल तुसीं ऑस्कन ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड दे नाल जुड़े और किस तरीके नाल इन्हां नूं वीज़े वास्ते अप्लाई किया, पहले तुसीं उहदे बारे दसो, फिर तुहाडे वीज़े की डिटेल और तुहाडी डिटेल मैं बाद च दस्सां। सर आफ्टर आयल्स मैं लभ रहा सी किस तों अपना अप्लाई करवावां जी, तां फिर मेरे फ्रेंड ने सुजैसट किया सीगा कि ऑस्कन ओवरसीज जा 8 सेक्टर 8 सी दे विच जी। तो फिर आफ्टर वो बाद मैं विजिट किया इतने, तो फिर आरती मैम ने मैं काउंसलिंग की थी जी। तो उन्होंने कहा सीगा तेरा 100% जो असी वीज़ा लवेंगे, तो अज थोड़े सामने हाँ सर वीज़ा लेके बैठा हाँ सर। मैं जिथे कि मैनू जिथे तक मैं पता लगे है कि यूनिवर्सिटी ऑफ डरवी तो हाँ जी सर अपना एजुकेशन वास्ते अप्लाई हाँ जी हाँ जी सर। तो वो बारे थोड़ा जहाँ दसोंगे कि सर मेरा बी ए यूनिवर्सिटी ऑफ डरवी के बच्चे है, बी ए इंटरनेशनल होस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स है मेरा, बी ए ऑनर्स का जी जी जी, 3 साल का कोर्स है सर मेरा जी। हाँ जी सर। और तुसी भी प्लस टू करन तो बाद हाँ जी हाँ जी सर, मेरा प्लस टू 2020 च कीती है तुसी? हाँ जी सर, मेरा प्लस टू 2020 दा है, आर्ट्स स्ट्रीम दे विच है मेरा। अच्छा जी। हाँ जी, 72% मार्क्स ने मेरे जी, ते ओवरऑल 6 बैंड है सर मेरे। अच्छा। हाँ जी सर। बट मैनू पता लग्या हैगा कि जिहड़ा ए वीजा हैगा ए सिस्टम दे विच वी इहदे च कोई इंटरव्यू नहीं तुहाडी होई? नहीं सर। और कुछ कुछ वीजे इदां दे वी ऑस्कन दी तरफ नाल अपना ऑस्कन दी वजह नाल इदां दे वी वीजे कुछ होए ने जिन्हां च कोई आईलेट्स दी वी जरूरत नहीं हैगी ते कोई इंटरव्यू दी जरूरत नहीं? मेरा एक फ्रेंड है सर, हां जी, उस दा विदाउट आईलेट्स लग्या है। विदाउट आईलेट्स? हां जी सर। ते मेरा कोई इंटरव्यू नहीं होया सर। तुहाडा कोई इंटरव्यू नहीं होया ना तो यूनिवर्सिटी दे विच ना ते इमिग्रेशन विच? दोस्तों सब तो बड़ी गल ए हैगी कि जिस तरह कि सुरेंद्र सिंह जी भी तुहानू दसणगे और मैनू भी ऑस्कन ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड वालों पता लग्या हैगा ये वीजा जिहड़ा हैगा 24 आवर दे विच लग के आया हैगा। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰ, ਥਾਣਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਥਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਸਕਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਫਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਔਸਕਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਰਿੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਸਕਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਔਸਕਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।